वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट प्रीमेटर पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। तो आज के लेक्चर में हम कुछ पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं या ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी को एज ए होस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है चाइनीज लिवर फ्लक, जिसे क्लोनोर्चिस साइनेंसिस भी कहते हैं। तो ये एशिया में पाए जाने वाले ह्यूमंस में बहुत ही कॉमन पैरासाइट है और 30 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इससे इन्फेक्टेड होते हैं। इस फ्लक के जो एडल्ट होते हैं वो ह्यूमन के लीवर के बाइल डक्ट में पाए जाते हैं, यानी लीवर के बाइल डक्ट में ये ग्रो करते हैं, वहीं पे ये रहते हैं और बाइल डक्ट की एपिथेलियल टिश्यू के साथ अटैच होते हैं और ब्लड को एज ए खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं। एडल्ट जो है अपने एग को बाइल डक्ट में रिलीज कर देते हैं, फिर एग जो है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ से ह्यूमन के फीसिस यानी वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद ये एग जो है पानी में चले जाते हैं और स्नेल जो है इन एग को इंजेस्ट कर लेता है। तो स्नेल में जब ये एग जाते हैं तो मायासीडिया जो है वो एग से रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद मायासीडिया स्पोरोसिस में कन्वर्ट होता है और स्पोरोसिस जो है वो रेडियल स्टेज से गुजरता है और बन जाता है सिरसेरिया। जब सिरसेरिया बन जाता है तो ये वाटर में रिलीज हो जाता है और सिरसेरिया जो है फिर अपने नेक्स्ट होस्ट यानी फिश को अटैक करता है, फिश के साथ कॉन्टैक्ट करता है और फिश की एपिडर्मिस के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जब ये फिश के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है तो इसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ ह्यूमंस जो हैं वो या तो रॉ फिश खाते यानी अनकुक्ड फिश खाते हैं या फिर कम पकी हुई फिश जो है वो खाते हैं, तो ये फ्लक्स जो हैं ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं और तब ये बन जाते हैं सिस्ट से निकल कर मेटासरसेरिया। तो मेटासरसेरिया जब सिस्ट से मेटासरसेरिया बन जाता है तो ये ह्यूमन की डाइजेस्टिव ट्रैक में वापस एंटर हो जाते हैं और वहीं लीवर की बाइल डक्ट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं ये ग्रो करते हैं, एडल्ट होते हैं और एग देते हैं और इससे इनका साइकिल जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन होस्ट। तो ह्यूमन जो है ये खास होस्ट है इनका, डेफिनेट होस्ट जिसे फाइनल होस्ट भी कहते हैं, क्योंकि साइकिल जो है वो इसी से स्टार्ट होता है और साइकिल इसी होस्ट के ऊपर ख़त्म होता है। तो चाइनीज लीवर फ्लक जो है ह्यूमन के लीवर के बाइल डक्ट में पाए जाते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं और बाइल डक्ट के अंदर ही वो एग देते हैं और एग जो है वो ह्यूमन की फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं और एग जो है पानी में चले जाते हैं। पानी में ये स्नेल को अटैक करते हैं, स्नेल के अंदर जाते हैं, यानी स्नेल जो है इन एग को इंजेस्ट कर लेता है और स्नेल के अंदर ये बन जाते हैं मायासीडियम। अब मायासीडियम जो है स्नेल के अंदर ही स्पोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और स्पोरोसिस जो है वो आफ्टर 3 to 4 weeks के बाद सरसेरिया में कन्वर्ट हो जाता है और सरसेरिया जो है ये एक टेल लाइक लार्वा होता है जो कि फ्रीली स्विम करता है। अब सरसेरिया जो है क्या करता है कि ये स्नेल से निकल जाता है और किसी स्पेसिफिक फिश के अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है और फिश के टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जब ये सरसेरिया फिश के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो इसकी जो टेल है ये ख़त्म हो जाती है, ये एक सिस्ट की फॉर्म में आ जाता है। तो अब ये फिश के टिश्यूज़ के अंदर सिस्ट की फॉर्म में मौजूद है, इन्हें कहते हैं मेटासरसेरिया। अब ये फिश जो है अगर पूर्ली कुक यानी सही से ना पकी हुई फिश या फिर रॉ फिश जो है कोई ह्यूमन खाता है तो ये इंसिस्टेड मेटासरसेरिया ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं और वहाँ से लीवर के बाइल डक्ट में रहना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं ये एडल्ट बनते हैं, वहीं फिर से एग देते हैं और फिर से इनका साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेसियोला हिपैटिका, इसे शीप लीवर फ्लक भी कहते हैं, यानी ये भेड़ों वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन होता है उस एरिया में जहाँ पे शीप यानी भेड़ जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो शीप लीवर फ्लक जो है या तो शीप को या फिर ह्यूमन को अपने खास होस्ट के तौर पर यूज़ करता है, यानी वो होस्ट जिससे ये अपना साइकिल स्टार्ट करता है और वही होस्ट जिस पे अपना साइकिल ख़त्म करते हैं उसे कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट यानी फाइनल होस्ट। अडल्ट जो है वो शीप या ह्यूमन के लीवर की बाइल डक्ट में रहते हैं जैसे आपको पहले बताया था, बाइल डक्ट में रहते हैं जैसे आपको पहले बताया था। तो बाइल डक्ट के अंदर ही ये एग देते हैं और एग जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए फिसिस के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं और एनस वो ओपनिंग होती है जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है ह्यूमन या शीप की बॉडी से रिलीज होता है। अब एग जो है फ्रेश वाटर में डिपॉजिट होते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वहाँ ये हैच होते हैं, ब्रेक होते हैं और उनसे रिलीज होता है मायासीडिया। अब मायासीडिया जो है वो एक स्पेसिफिक स्नेल की फिश को ट्रैक करता है, उस तक पहुँचता है
और स्नेल के सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ ये मायासीडियम से बन जाता है स्पोरोसिस्ट। अब स्पोरोसिस्ट जो है वो डिवेलप करता है रेडिया, रेडिया जो है वो बन जाता है सरसेरिया, और सरसेरिया जो है वो स्नेल से निकल जाता है और वाटर में ये बन जाता है सिस्ट की फॉर्म में। शीप और अदर एनिमल्स जो हैं घास चरने के दौरान इस फ्लक्स से इन्फेक्ट हो जाते हैं और इस वाटर में ग्रो किए हुए प्लांट को ह्यूमन अगर खाएंगे तो ह्यूमन भी इस फ्लक्स से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में जो प्लांट पाए जाते हैं जिसे वाटर क्रेस कहते हैं, मोस्टली ह्यूमन्स जो हैं वो इस वाटर क्रेस को एज ए फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो फिर ये फ्लक्स जो है वो ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है या फिर शीप की बॉडी में चला जाता है ड्यूरिंग ग्रेजिंग। तो इन प्लांट्स के अंदर जो है इंसिस्टेड मेटासरसेरिया पाया जाता है और इंसिस्टेड मेटासरसेरिया जो है वो शीप या ह्यूमन के अंदर इंटर होकर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद लीवर की बाइल डक्ट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं एडल्ट होते हैं, वहीं जो है एग देते हैं और फिर से इनका साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। शीप लीवर फ्लक का जो साइकिल है वो बिल्कुल सब क्लास डाइजीनिया की जैसे है, यही साइकिल है फिसियोला हेपेटिका का। तो सेम साइकिल जो है आप शीप लीवर फ्लक में भी ड्रॉ करेंगे। ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहाँ से इसको दोबारा जो है वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शिस्टोसोम्स, जिसे ब्लड फ्लक भी कहते हैं। शिस्टोसोम बहुत ही मेडिकली इम्पॉर्टेंट करेक्टर रखता है, यानी ये मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और पूरी वर्ल्ड में तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस फ्लक से इन्फेक्ट होते हैं। इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अफ्रीका के अंदर, साउथ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। एडल्ट जो है ब्लड फ्लक के डायशियस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं और ये ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। मेल फ्लक जो है वो शॉर्टर होता है, थिकर होता है फीमेल से, यानी छोटे साइज का होता है और मोटा होता है। मेल फ्लक की जो साइड्स होती हैं वो कर्व होती हैं, यानी मुड़ी हुई होती हैं और वेंट्रल साइड की तरफ एक केनाल बनाती हैं। ये केनाल जो है फ्लक की बॉडी को सेपरेट करती है, ब्रेक करती है। फीमेल फ्लक जो है वो ये लॉन्ग होता है और सिलेंडर लाइक होता है और ये मेल की केनाल के साथ ही मौजूद होता है। और जब ये मेल की किनार के साथ मौजूद होता है तो तब इनके अंदर कॉपुलेशन होती है, यानी मेटिंग होती है और फीमेल जो है वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एग, यानी थाउजेंड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है। हर एग के अंदर एक स्पाइन पाया जाता है और स्पाइन जो है इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये मूव कहाँ करते हैं, तो जब ये अपने होस्ट के अंदर होते हैं तो होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर ये मूवमेंट अपने स्पाइन के ज़रिए करते हैं। दीज एग्स जो हैं लेमिनेट हो जाते हैं होस्ट के वेस्ट प्रोडक्ट यानी फीसिस के जरिए या फिर यूरिन के जरिए। तो जब एग्स जो हैं होस्ट से निकल जाते हैं तो एग्स जो है उनका ऑपरक्यूलम ख़त्म हो जाता है, उनका ढक्कन जो है वो लॉस हो जाता है। मायासीडियम जो है वाटर में रिलीज हो जाते हैं एग से और मायासीडियम जो है फिर फाइंड करते हैं अपने स्नेल को कीमोटैक्सिस के जरिए। अब मायासीडियम जो है स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ ये स्नेल के अंदर बन जाता है स्पोरोसिस्ट और स्पोरोसिस्ट ये फर्दर जो है वो डॉटर स्पोरोसिस्ट बनाता है और डॉटर स्पोरोसिस्ट जो है वो फाइनली बनाते हैं सरसेरिया। सरसेरिया जो है ये फॉर्क टेल होता है, यानी जैसे कांटा होता है ना फॉर्क जिसे बोलते हैं, उस तरह की टेल जो है वो सरसेरिया की पाई जाती है। रेडिया जो है इसके अंदर जनरेट नहीं होता, यानी सरसेरिया जो है वो डायरेक्ट ही स्नेल से निकल जाता है और फिर ये ह्यूमन की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। सरसेरिया के जो इंटीरियर एंड होता है उसके इंटीरियर एंड पर एंटीरियर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि ये होस्ट की स्किन के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर सके। सरसेरिया जो है जब होस्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है तो इसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये होस्ट के इंटेस्टिनल वेन के अंदर एडल्ट की फॉर्म में डिवेलप हो जाता है। मेटासरसेरिया जो है इनके अंदर स्टेज एब्सेंट होती है। तो ये है ब्लड फ्लक का साइकिल। तो ये हमारे पास है ह्यूमन के अंदर ये दो एडल्ट जो हैं वो पाए जाते हैं ब्लड फ्लक के और ये दोनों जो है आप पॉपुलेशन कर रहे हैं कहाँ पे, ह्यूमन के इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के इर्द गिर्द जो मेसेंटेरिक वेन पाई जाती है उस वेन्स में ये एडल्ट जो है वो पॉपुलेशन करते हैं और फीमेल जो है वो अपने लाइफ स्पैन में थाउजेंड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है। अब एग जो है वो स्नेल को ट्रैक करता है कीमोटैक्सिस के जरिए। तो ये है इसकी कीमोटैक्सिस, स्नेल को ट्रैक कर लिया और स्नेल के अंदर ये बन जाते हैं सरसेरिया। अब सरसेरिया जो है ये फॉग टेल रखता है, यानी कांटों की जैसे इसकी टेल होती है और सरसेरिया फिर वाटर में क्योंकि पाया जाता है तो ह्यूमन जो है अगर पानी में चल रहा है, मतलब बेयर फुट से पानी में चल रहा है, तो सरसेरिया ह्यूमन की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है
क्योंकि इसके इंटीरियर एंड पर इंटीरियर ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं ताकि ह्यूमन स्किन को ब्रेक करके ह्यूमन के टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट किया जाए। तो इस तरह ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर से ये ह्यूमन की डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं और फिर से मेसेंटेरिक वेन में कॉपुलेशन करते हैं और इस तरह इनका साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन।